टाटा ने पंच में ICNG यानी कि CNG वेरिएंट रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम न्यू टाटा पंच CNG के बारे में कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स पॉइंट्स बताएंगे। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रैक्टिकलिटी। टाटा पंच CNG में ड्यूअल सिलेंडर टैंक का यूज किया गया है, जिसके कारण CNG होने के बाद भी आपको 210 लीटर्स का बोर्ड स्पेस मिलता है, जो कि इस साइज की CNG कार के लिए सफिशियंट है। एंड ऑल्सो, जैसे कि टाटा पंच एक माइक्रो SUV है, इसमें आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे आप टाटा पंच को खराब रास्तों में भी इजीली निकाल सकते हो। एंड ओवरऑल स्पेस वाइज भी टाटा पंच में सफिशियंट स्पेस है, सो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी टाटा पंच के बारे में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड, फीचर्स। CNG कार होने के बाद भी टाटा ने पंच में फीचर्स में कमी नहीं रखी। टाटा पंच CNG इक्विप्ड वेरिएंट यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है, एंड उसमें भी सनरूफ वाला डीजल पैक अवेलेबल है। मतलब कि आपको सनरूफ, 16 इंच एलॉय व्हील्स, LED DRL, 7 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, शार्क फिन एंटीना एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सो फीचर्स वाइज यहाँ पे एक CNG कार के हिसाब से मोर देन सफिशियंट फीचर्स दिए गए हैं। थर्ड, CNG रिलेटेड फीचर्स। टाटा पंच में ड्यूअल सिलेंडर टैंक यानी कि एक बड़ा CNG टैंक के बदले दो छोटे CNG यूज किए गए हैं, जिससे बोर्ड स्पेस भी यूजेबल रह जाता है। बट इसके सिवा भी और कई सारे CNG रिलेटेड फीचर्स दिए गए हैं जो दूसरी CNG कार्स में नहीं मिलते, जैसे कि डायरेक्ट स्टार्ट इन CNG मोड यानी कि कार पहली बार से ही CNG फ्यूल से स्टार्ट होगी, जहां पे बाकी ब्रांड्स की CNG कार्स पहले पेट्रोल में स्टार्ट होती है एंड देन CNG में स्विच करनी पड़ती है। इसके सिवा आपको थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन, ऑटो स्विच बिटवीन CNG एंड पेट्रोल एंड लीक डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो एक CNG कार का एक्सपीरियंस सेफ एंड कन्वीनियंट बनाता है। फोर्थ, चीपेस्ट CNG माइक्रो SUV। टाटा पंच CNG का मेन ड्राइवर है Hyundai Exter, जो भी CNG में लॉन्च की टाइम से ही अवेलेबल है। बट Exter में CNG ओनली दो वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है, S एंड SX, एंड जिसमें S वेरिएंट की प्राइस 8.23 लाख ex-showroom है, जहाँ पे टाटा पंच प्योर, एडवेंचर एंड अकम्प्लिस्ड ऐसे तीनों वेरिएंट्स में CNG अवेलेबल है, जिसमें प्योर एंड एडवेंचर वेरिएंट की प्राइस Exter के S वेरिएंट से कम है एंड पंच प्योर CNG की प्राइस तो सिर्फ 7 लाख है। सो ये उन कस्टमर्स के लिए यूजफुल हो सकता है जिनको फीचर से लेना देना नहीं है, बट सिटी में चलाने के लिए एक बढ़िया CNG कार चाहिए, जहाँ पे Exter का CNG का स्टार्टिंग वेरिएंट ही 8.2 लाख से मिलता है। सो उसके कंपेयर में टाटा पंच CNG लोअर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कई सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। फिफ्थ, सेफ्टी। टाटा पंच को ग्लोबल NCAP में 5 out of 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो सेफ्टी वाइज टाटा पंच एक बहुत ही सेफ कार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड इसके सिवा आपको CNG से रिलेटेड भी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लीक डिटेक्शन एंड थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन। सो ओवरऑल सेफ्टी वाइज टाटा पंच CNG वन ऑफ द सेफेस्ट कार है। तो चलिए, ये तो हो गए सारे पॉजिटिव्स, अब कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, माइलेज। CNG कार लेने वाले कस्टमर्स के लिए माइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जहां पे टाटा मोटर्स ने टाटा पंच CNG की ऑफिशियल माइलेज अब तक रिवील नहीं की है, ना ही उनकी वेबसाइट पर कहीं माइलेज मेंशन है, ना ही उनके ब्राउज़र में। इससे तो ये क्लियर है कि टाटा पंच CNG की माइलेज उतनी भी इंप्रेसिव नहीं है, वरना ऑब्वियसली टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं तो माइलेज शो करते। बट एक्चुअली ये सेम इंजन हमने टाटा टियागो में देखा हुआ है CNG में, जिसमें अराउंड 27 किलोमीटर पर KG की क्लेम माइलेज मिलती है, जो रियल लाइफ में उससे भी कम मिलेगी। एंड टाटा पंच टियागो से बड़ी एंड ज्यादा वेट वाली कार है, एंड बॉक्सी शेप एंड ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के कारण एरोडायनामिक वाइज भी टाटा पंच टियागो से कम एरोडायनामिक है। सो इन सारे फैक्टर्स से हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि टाटा पंच में सेम इंजन होने के बाद भी टियागो CNG के कंपेयर में कम माइलेज मिलेगी। आप मैक्सिमम 23-25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि पंच के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर Hyundai Exter CNG की 27 किलोमीटर पर KG की माइलेज से बहुत ही कम है। सो एक CNG कार के स्टैंडर्ड से टाटा पंच CNG में थोड़ी कम माइलेज मिलेगी। सेकेंड, कॉस्टली टॉप वेरियंट। जैसे कि हमने पॉजिटिव्स में बताया, टाटा पंच CNG का प्योर एंड एडवेंचर वेरिएंट तो वैल्यू फॉर मनी एंड सस्ता है, बट जहाँ पे बात हो टॉप वेरिएंट की, तो वो वैल्यू फॉर मनी वाइज बेस्ट नहीं है, क्योंकि पंच CNG का अकॉम्प्लिस्ड डीजल S वेरिएंट 9.68 लाख का मिलता है, जहाँ पे पंच की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर Hyundai Exter का टॉप वेरियंट SX CNG सिर्फ 8.97 लाख में मिलता है। मतलब कि वो टाटा पंच से 70,000 सस्ती है। एंड फिर भी Exter की कम प्राइस वाले वेरियंट में सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर, रियर AC वेंट्स, 8 इंच टच स्क्रीन एंड ओवरऑल बेटर माइलेज एंड रिफाइंड इंजन मिल जाता है। सो क्लियरली वैल्यू फॉर मनी वाइज टाटा पंच का टॉप वेरिएंट Exter के कंपेयर में सेंसिबल नहीं है, जहां पे Exter के SX वेरिएंट से सिमिलर प्राइस में पंच CNG में विदाउट डीजल पैक वाला अकॉम्प्लिस्ड वेरिएंट मिल जाता है, बट उसमें आपको सनरूफ, एलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL एटसेट्रा जैसे फीचर्स मिसिंग मिलते हैं। सो सेम प्राइस में आपको Exter का सनरूफ वाला वेरिएंट मिलता हो, तो टाटा पंच का अकॉम्प्लिस्ड CNG वेरिएंट लेना कोई सेंस नहीं बनाता।
सो टाटा पंच की दोनों टॉप वेरियंट वैल्यू फॉर मनी वाइज थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे है। थर्ड इंजिन, टाटा पंच में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 73 bhp का पावर एंड 103 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो नंबर्स वाइज तो सफिशियंट पावरफुल लगता है, बट एक्चुअली टाटा पंच के वेट एंड ओवरऑल डायमेंशंस के हिसाब से ये इंजन पेट्रोल वेरिएंट पे ज्यादा पावर के साथ भी अंडर पावर्ड फील होता है। सो ऑब्वियसली सीएनजी में तो और भी अंडर पावर्ड फील होगा, एंड ऑल्सो 3 सिलेंडर होने के कारण रिफाइनमेंट वाइज भी ये इंजन थोड़ा नोइजी एंड अनरिफाइंड है, स्पेशली कम्पेयर टू ह्यूंडई एक्सटर्स इंजन। सो अगर इंजन पावर या रिफाइनमेंट आपकी प्रायोरिटी है तो शायद टाटा पंच सीएनजी आपके लिए नहीं बनी। तो ये थे सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ न्यूली लॉन्च्ड टाटा पंच सीएनजी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप टाटा पंच सीएनजी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको अपनी बाइंग डिसीजन में हेल्प जरूर मिलेगी। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।